हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और होंडा सीबी 350 आरएस के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिक 350 के बारे में तो ये बाइक आपको एकदम रेट्रो स्टाइल में नज़र आने वाली है एंड इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको ओल्ड स्कूल नज़र आएगा और ये जो बाइक है वो आपको हर एक एंगल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आने वाली है। नो डाउट कि क्लासिक 350 का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये बाइक आपको काफ़ी हैवी भी नज़र आएगी। वहीं होंडा 350 आरएस को अगर हम लोग देखते हैं तो ये बाइक आपको क्लासिक मशीन नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल का एक मिक्स नज़र आने वाला है। सीबी 350 आरएस आपको काफ़ी हद तक होंडा हाइनेस सीबी 350 की याद दिलाने वाली है। होंडा ने इस बाइक को एक स्क्रैम्बलर टच देने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपको कुछ एक चेंजेस नज़र आते हैं होंडा हाइनेस सीबी 350 से, थोड़ा सा ये बाइक अलग नज़र आती है एंड ये बाइक भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आने वाली है। अगर हम लोग इन दोनों बाइक को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ क्लासिक 350 एक ज़्यादा हैवी मशीन नज़र आएगी, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक बाइक को पिक करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। मैं ये कहूँगा कि जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब अगर बात की जाए इन दोनों बाइक के इंजन को लेकर तो आपको क्लासिक 350 के अंदर नज़र आने वाला है 349cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP की पावर एट 6100 RPM एंड 27 Nm का टॉर्क एट 4000 RPM। ये इंजन आपको 5-speed गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। वहीं होंडा सीबी 350 आरएस आपको दिखाई देगी 348cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.7 BHP की पावर एट 5500 RPM एंड 30 Nm का टॉर्क एट 3000 RPM। ये इंजन भी आपको 5-speed गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है और साथ में आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच भी दिखाई देगा। अगर यहाँ पर पावर फिगर की तरफ ध्यान दिया जाए तो आपको यहाँ पर दोनों ही बाइक के अंदर जो BHP है वो ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आने वाली है। सिर्फ होंडा सीबी 350 आरएस के अंदर आपको 0.5 BHP ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्क को लेकर तो आपको सीबी 350 आरएस के अंदर 3 Nm का टॉर्क ज़्यादा दिखाई देने वाला है। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको यहाँ पर होंडा सीबी 350 आरएस एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आने वाली है। 350 आरएस के अंदर आपको ज़्यादा पिकअप दिखाई देगा एंड टॉप स्पीड भी आपको 350 आरएस की ही ज़्यादा दिखाई देने वाली है। जहाँ क्लासिक 350 आपको 120+ KMPH की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं सीबी 350 आरएस आपको प्रोवाइड करने वाली है 130+ KMPH की स्पीड, यानी कि यहाँ पर आपको सीबी 350 आरएस एक ज़्यादा पावरफुल बाइक नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर तो आपको होंडा सीबी 350 आरएस नज़र आने वाली है 179 किलोग्राम वेट के साथ में, वहीं क्लासिक 350 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 195 किलोग्राम का वेट, यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 16 किलोग्राम वेट का डिफरेंस यहां पर नज़र आने वाला है। क्लासिक 350 आपको यहां एक ज़्यादा हैवी मशीन नज़र आएगी। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर तो आपको क्लासिक 350 के अंदर नज़र आने वाली है 805 mm की सीट हाइट, वहीं सीबी 350 आरएस के अंदर आपको नज़र आएगी 800 mm की सीट हाइट, यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको सिर्फ 5 mm सीट हाइट का डिफरेंस नज़र आने वाला है। मैं ही बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं, सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर तो आपको सीबी 350 आरएस के अंदर नज़र आने वाला है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं क्लासिक 350 आपको नज़र आएगी 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखें तो आपको दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर डिसेंट नज़र आने वाला है, यानी कि अगर आपको इन दोनों ही बाइक से
ख़राब रोड कंडीशन के ऊपर, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करना पड़ेगा, तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगी। दोनों ही बाइक आपको नीचे हिट होकर, स्क्रैच होकर परेशान नहीं करने वाली है। अगर बात की जाए इन दोनों बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर, तो आपको क्लासिक 350 नज़र आने वाली है 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। वहीं होंडा CB350RS आपको नज़र आएगी 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। यहां पर आपको CB350RS के अंदर 2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा दिखाई देने वाली है। बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए, तो आपको क्लासिक 350 प्रोवाइड करने वाली है अराउंड 37 kmpl का माइलेज। वहीं CB350RS आपको प्रोवाइड करेगी 38 से 48 kmpl के बीच में माइलेज। यानी माइलेज के मामले में आपको यहाँ पर CB350RS थोड़ा सा आगे नज़र आने वाली है। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में नज़र आने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक फॉर्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। अगर हम लोग यहाँ सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ पर सस्पेंशन के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली हैं। अगर आप इन दोनों ही बाइक से ख़राब रोड कंडीशन में, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं, तो आपको ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आने वाली हैं सस्पेंशन की तरफ से। दोनों बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है, टूटे फूटे रास्तों को, ख़राब रोड कंडीशन को, गड्ढों को, पोटल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता हुआ नज़र आने वाला है। यानी कि सस्पेंशन की तरफ से आपको इन दोनों ही बाइक से राइड करते हुए किसी तरह की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में नज़र आने वाली हैं। क्लासिक 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां आपको रियर के अंदर 153mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। अगर हम लोग ब्रेक साइज़ को लेकर बात करें, तो आपको क्लासिक 350 में फ्रंट में नज़र आने वाला है 300mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270mm का डिस्क ब्रेक। वहीं CB350RS में आपको फ्रंट में नज़र आएगा 310mm का डिस्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240mm का डिस्क ब्रेक। अगर बात की जाए ब्रेकिंग बाइट को लेकर, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ पर ब्रेकिंग के मामले में अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइज़ को लेकर, तो आपको CB350RS के अंदर फ्रंट में नज़र आएगा 100x90 का 19 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 150x70 का 17 इंच का टायर। वहीं क्लासिक 350 में आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 100x90 का 19 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 120x80 का 18 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइज़ की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको फ्रंट में दोनों ही बाइक सेम टायर साइज़ के साथ में नज़र आने वाली हैं, लेकिन आपको CB350RS के अंदर रियर में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाला है क्लासिक 350 के कंपेयर में। आप बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर, तो आपको क्लासिक 350 के बेस वेरिएंट के लिए पे करने होंगे 1.93 लाख रुपीज़। वहीं आपको क्लासिक 350 के टॉप वेरिएंट के लिए पे करने होंगे 2.25 लाख रुपीज़। वहीं CB350RS के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.15 लाख रुपीज़, एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.18 लाख रुपीज़। यहाँ पर जितने भी मैंने प्राइजेस बताए हैं, ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अब अगर आप यहाँ पर प्राइजेस में कंपेयर करें, तो आपको दोनों ही बाइक के टॉप वेरिएंट के बीच में 7000 रुपीज़ का डिफरेंस नज़र आने वाला है। आपको यहाँ पर क्लासिक 350 7000 रुपीज़ कॉस्टली नज़र आने वाली है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के बेस वेरिएंट को लेकर, जहाँ पर आपको क्लासिक 350 में ड्रम ब्रेक नज़र आएगा रियर में, तो आपको दोनों ही बाइक के बेस वेरिएंट के बीच में 22000 रुपीज़ का डिफरेंस नज़र आने वाला है। यहाँ पर आपको होंडा CB350RS एक ज़्यादा कॉस्टली मशीन नज़र आने वाली है। जो बाइक के प्राइजेज़ उनको कंपेयर करते हुए मैं ये कहूँगा 5000 से 10000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बाइक आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज के साथ में ही नज़र आने वाली हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना है, अगर आप अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच जैसा ऑप्शन भी चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक से थोड़ा सा माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, एंड आपको एक ज़्यादा वाइड रियर टायर के साथ में बाइक चाहिए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि होंडा CB350RS आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक ज़्यादा हैवी लुकिंग मशीन को राइड करना है,
तो फिर मैं कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।